हाय गाइस, दिस इज सी ए क्षितिज गुप्ता। वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल एंड टू आर एक्सप्लेनर सीरीज। आज इस एक्सप्लेनर सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होती है और कैसे आप इसका इस्तेमाल करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, अगर हम शेयर मार्केट पे लगने वाले टैक्स की यहाँ पर बात करते हैं, तो दो टाइप से यहाँ पर टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो एक साल से कम पीरियड के लिए आपका गेन होते हैं शेयर मार्केट में, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है और 15% टैक्स आपको यहाँ पर देना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उन टैक्सेस को बोला जाता है जो आप एक साल से ज़्यादा अगर अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करते हैं तब आप पे करते हैं। अब यहां पर होता क्या है, मान लीजिए आपका कुछ शेयर्स बेचने पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाता है 1,00,000 रुपीज तक का, तो यहां पर आपको अगर हम इनकम टैक्स के हिसाब से देखते हैं 15,000 रुपीज का टैक्स देना होगा, यानी कि 1,00,000 का जो आपका गेन हुआ है उसका 15%। लेकिन यहां पर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की टेक्निक का यूज करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। अब यहां पर आप मानिए कि हो सकता है आपके किसी और शेयर पे आपको 50,000-60,000 रुपए 1,00,000 रुपए तक का नुकसान यहां पर होते हुए आपको दिख रहा है, वो शेयर आपका लॉस में है लेकिन आपके पोर्टफोलियो में है, आपने उसको बेचा नहीं है, तो यहां पर आप उस अपने पर्टिकुलर साल में उस शेयर में जिसमें ऑलरेडी लॉसेस दिख रहे हैं उसको सेल करके, मान लीजिए 60,000 का लॉस आपको दिख रहा था, उस 60,000 के लॉस को आप बुक करके अपना ओवरऑल जो उस साल का टैक्स है उसे कम कर सकते हैं और उस शेयर को आप दोबारा से रीपर्चेज कर सकते हैं अगर आपको उस शेयर में इस प्राइसेस पे भी इन्वेस्ट करना है। तो इस सिंपल सी टेक्निक से होगा क्या, आपका टैक्स सेव हो जाएगा, ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो पे कोई असर नहीं आएगा। तो मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म टैक्स था, गेन्स थे 1,00,000 रुपीज के, 60,000 का आपके जो पोर्टफोलियो था वहां पर अनरियलाइज्ड लॉस था जो आप बुक कर लेते हैं और 60,000 का लॉस आपके पोर्टफोलियो पे आ जाता है, टोटल ओवरऑल उस साल का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन घटकर सिर्फ 40,000 रुपीज का रह जाएगा और 40,000 रुपीज के में आपको 15% पे टैक्स देना होगा, यानी कि 6,000 रुपीज। 15,000 रुपीज का टैक्स आपने कम करके सिर्फ 6,000 रुपीज का कर लिया और यहां पर आप अपना 9,000 रुपीज का टैक्स सेव कर लेते हैं। यही टेक्निक आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अर्न किए, अब यहां पर दो टेक्निक से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। एक तो यहां पर आप अपना जो 1,00,000 रुपीज तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको बुक करके उसमें अपने उसी स्टॉक को रीपर्चेज कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि मान लीजिए आपका कोई शेयर था जो आपने 200 रुपए के परचेज प्राइस पे 100 शेयर्स को परचेज किया था, अब 2-3 साल बाद उन शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़कर 400 रुपए के आसपास हो चुकी है, यानी कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया यहां पर 400 × 100, यहाँ पर 40,000 रुपीज़ के आपके वो शेयर्स हो चुके हैं, 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आपके शेयर में दिख रहा है। तो यहाँ पर आप इस शेयर को बुक के जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेंगे और 400 पे उन्हीं शेयर्स को दोबारा से रीपर्चेज कर लेंगे, तो ओवरऑल आपकी जो परचेज वैल्यू है वो बढ़ गई आपके पोर्टफोलियो में और जो आपने 20,000 रुपीज़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया है इस पर आपको टैक्स भी नहीं देना होगा, क्योंकि 1,00,000 रुपये तक का जो टैक्स होता है वो फ्री होता है, वो टैक्स फ्री होता है, तो आपको वहां पर भी टैक्स सेविंग हो जाएगी। और दूसरी तरफ ऐसा भी आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपका पूरे साल का जो प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से वो 1,50,000 हो जाता है और ऐसे ही जैसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में डिस्कस किया था, आपके पास कहीं 30,000-40,000 रुपये 50,000 रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिख रहा है तो उसको आप बुक करके अपना ओवरऑल जो टैक्स है उसको कम कर सकते हैं। अब दोस्तों ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी डिविडेंड्स के टाइम पे, उन शेयर्स में डिविडेंड जहाँ पर आपको मिल रहा होता। पहले यहाँ पर क्या होता था, मान लीजिए किसी शेयर की ने 50 रुपये की अपना डिविडेंड इशू किया, डिक्लेयर किया कि 50 रुपये का वो डिविडेंड पर शेयर देने वाली है और उस शेयर की वैल्यू चल रही थी 200 रुपीज़, तो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स क्या करते थे, 200 रुपीज़ का शेयर को परचेज करके बैठ जाते थे, तो 200 रुपीज़ इंटू आपने मान लीजिए 1,000 शेयर्स खरीद लिए तो आपने 2,00,000 रुपये के शेयर्स परचेज कर लिए और ये 2,00,000 रुपए के शेयर्स परचेज करने पे आपको 50,000 का डिविडेंड मिल जाता था और जैसे ही ये डिविडेंड मिलता था उस शेयर की वैल्यू कम होकर 150 रुपीज़ की रह जाती थी। तो यहाँ पर
होता क्या था कि इन्वेस्टर्स अपना 50,000 रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक कर लेते थे, वो उससे उनको फायदा हो जाता था उनके ओवरऑल टैक्स सेव करने में। वहीं जो 50,000 का डिविडेंड उनको मिलता था वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता था, तो वहां पर भी बेनिफिट उनको मिल जाता था। और ऐसे ये करके जो इन्वेस्टर्स थे वो अपना टैक्स सेव कर लेते थे। लेकिन इस चीज को बचने के लिए अब इनकम टैक्स में क्या किया गया कि जो डिविडेंड अब मिलते हैं वो इन्वेस्टर्स के पास टैक्सेबल होते हैं और 30% का टैक्स इन्वेस्टर्स को देना होता है। तो ये टेक्निक लगाकर जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो इन्वेस्टर्स डिविडेंड स्ट्रिपिंग करके अपना पैसा सेव करते थे, टैक्स सेव करते थे, उसको अवॉइड करने से बचा लिया है। तो ये तरीके होते हैं जिससे आप, ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनसे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। अभी तक गवर्नमेंट की कोई रूलिंग नहीं आई है, तो आप टैक्स हार्वेस्टिंग करके अभी अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। सो गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर सुनोगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अ लॉट ऑफ यू माइट बी अर्निंग अ मनी, लेकिन आपने अपने फाइनेंसेस की प्रॉपर प्लानिंग शुरू नहीं की है। इफ यू प्लान योर फाइनेंसेस प्रॉपरली, इट विल नॉट ओनली टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट बट इट विल ऑल्सो सिक्योर योर फ्यूचर। आप में से बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जो अपनी मनी और अपनी अर्निंग्स को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कैसे और कहां इन्वेस्ट करें। तो डोंट वरी, आज ही वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करें। एक वेल्थ पार्टनर ना ही सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाकर देंगे, बट साथ के साथ आपके रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाकर देंगे और साथ ही साथ उसे मैनेज भी करेंगे। तो टेंशन किस बात की, इजी है ना। सो वेट मत कीजिए, आज ही अपनी कॉल शेड्यूल कीजिए एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद वेल्दी।